आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पहुंची है और कानपुर की कैंट विधानसभा सीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कैंट विधानसभा वो सीट जो पिछली बार मोदी लहर में भी बीजेपी की नहीं हुई थी, वो कांग्रेस के हाथ में गई थी, लेकिन इस बार यहाँ से समाजवादी पार्टी पूरी तैयारी कर चुकी है और वो लगातार जनता के बीच जाकर के ये बता रही है कि ना तो बीजेपी ना कांग्रेस किसी ने भी जनता के लिए काम नहीं किया, समाजवादी पार्टी को चुनिए और वो जनता के लिए काम करेगी। समाजवादी पार्टी ने इस सीट से प्रत्याशी के रूप में राजी हसन साहब को चुना है और वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, आपको प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने चुना है, क्या रणनीतियां हैं जब आप जनता के बीच जा रहे हैं, क्या लग रहा है, कितना रोष है या खुशी है, क्या मौजूदा विधायक से यहाँ की जनता, इस विधानसभा की जनता खुश है या फिर आप एक अलग रणनीति के तहत इस चुनाव में मौजूदा विधायक को हराने में लगे हुए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कानपुर कैंट विधानसभा की मतदाताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने लगातार जो जन समर्थन समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की हैसियत से मुझे दिया है। मुझे ऐसा लगता है कि सामने कोई दूर दूर तक नहीं है। मौजूदा विधायक की तो हमें ऐसा लगता है उपस्थिति नहीं थी कहीं, क्योंकि जनता बड़ी त्रस्त थी। जो दूसरे प्रत्याशी हैं वो भी पूर्व विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रह चुके हैं, उनको भी जनता ने नकार दिया था, मोदी लहर में नकार दिया था। और अब तो ये चुनाव हिंदू मुसलमान का नहीं है, महंगाई भ्रष्टाचार बेरोजगारी को लेकर जनता के बीच में हम आए हैं। लगातार जो समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र से प्रभावित जनमानस 300 यूनिट बिजली फ्री देने के वादे के साथ हमारे नेता ने सिंचाई में उपयोग होने वाले पानी की इस्तेमाल की जाने बिजली को मुफ्त किया, 22 लाख युवाओं को आईटी सेक्टर में रोजगार देने का जो वादा किया, लगातार जो 500 रुपए समाजवादी पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर सरकार बनने पर 1500 रुपए पेंशन देने का जो वादा किया, निश्चित रूप में उत्तर प्रदेश के मतदाताओं ने इसका स्वागत किया है। और लगातार हमें नहीं लगता कि समाजवादी पार्टी का कोई भी प्रत्याशी कहीं से भी लूज करेगा, क्योंकि वर्तमान में कोरोना काल से, जीएसटी से, नोटबंदी से इतनी बेरोजगारी, इतनी भुखमरी फैल गई थी कि जनमानस समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी की तरफ देख रहा है। ठीक है, मैं ये पूछना चाह रहा था, आप जब जनता के बीच जा रहे हैं यहाँ की विधानसभा की, मौजूदा जनता किन समस्याओं को बता रही है इस विधानसभा से जुड़ी हुई? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जो सड़कों की समस्या है, जो गड्ढे मुक्त सड़कों की समस्या है, वो अभी भी लगातार बनी हुई है। पानी के ड्रेनेज के सिस्टम जो समस्या है वो लगातार बनी हुई है। तो इन जैसी समस्याओं के अलावा कौन कौन सी वो प्रमुख समस्याएं हैं जो जनता आपसे बता रही है? और दूसरी चीज, क्या आपको सर्व समाज का वोट मिलेगा? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी लगातार कह रही है कि एक बार फिर से हम पहले अयोध्या, फिर बनारस और फिर मथुरा के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे, तो क्या आप लोगों की कुछ अलग रणनीति है जो ये मुद्दे बता रहे हैं, क्या उसका कोई इफेक्ट बीजेपी को मिलेगा? देखिए, आपने दो बातें करी। पहला पॉइंट आपने किया कि सड़क यहाँ की। देखिए, ये कानपुर ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर पहले टेक्सटाइल की नज़र से जाना जाता था। टेक्सटाइल की मिलें तो कांग्रेस के ज़माने में सब बंद हो गई। उसके बाद यहाँ पर चमड़ा उद्योग को पूरे ईस्ट ऑफ मैनचेस्टर की नज़र से कानपुर को देखा जाने लगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की खराब नीति के कारण इस वक्त इस जिसमें 10 लाख रोजगार पाने वाला नौजवान और हर समाज का आने वाला आदमी बेरोजगार हो रहा है। लगातार आप यहाँ पे जाएंगे जाजमऊ में, दो दो ट्रक घुस जाए ऐसे गड्ढे हैं। लोडिंग अनलोडिंग कोई ट्रक की हो नहीं सकती। माल अगर कच्चा बना भी लिया आपने तो किस रास्ते से जाएगा? यहाँ की सड़कों का, यहाँ पे एक नमामि गंगे नाम की योजना को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने भ्रष्टाचार और लूट का एक जरिया बनाया था, जो नाकामी गंगे की शक्ल में यहाँ पे देखा जाने लगा। हजारों करोड़ के घोटाले घपले अभी सामने आएंगे। रोज गड्ढा खुदता है, रोज भरा जाता है। दूसरी तरफ इस वक्त चुनाव, मैंने बता दिया, सर्व समाज, सब लोग एकजुट होकर परिवर्तन चाहते हैं। इस परिवर्तन की बयार में हम लोगों ने ये देखा कि जनता में कोई जात पात धर्म का मुद्दा नहीं है। इन्होंने अयोध्या को भी ला के देख लिया। अयोध्या वालों ने
योगी जी को भगा दिया और योगी जी से कहा कि तुम यहाँ से जाओ, हम तुमको यहाँ पर चुनाव में नहीं स्वीकार करते। उन्होंने काफी सर्वे किया तो उनको गोरखपुर वापस जाना पड़ा। गोरखपुर की जनता भी उन्हें स्वीकार करेगी, इसका भी मुझे संशय है। अच्छा, नतीजों की बात करी जाए, नतीजे क्या रहेंगे, क्योंकि बीजेपी अभी भी पूरी कॉन्फिडेंट में है और वो कह रही कि पिछली बार का जो नतीजा था उसको भी दोहराएंगे और उससे ज्यादा मतों से इस बार हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने वाले हैं। नतीजे क्या रहेंगे, कितने चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्या बीजेपी की इन बातों में कोई दम है या फिर नतीजे जो वो कह रहे हैं वही हो सकते हैं? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने 403 में 400 सीटें जीतने का दावा किया था, तो हमें लगा था कि शायद उस समय कि क्या कुछ ज्यादा हो गया क्या। लेकिन जब मैं जनता के बीच में आया हूं तो अपने नेता की सूझबूझ और उनके विजन से इतना प्रभावित हुआ हूं, मुझे लगता है कि 403 में 400 सीटें जीतने जा रहे हैं हम लोग। और चूंकि जनता पूरी तरीके से मैं कैंट विधानसभा कानपुर और कानपुर की और विधानसभाओं में जो मैंने माहौल देखा उसमें समाजवादियों के सामने कोई पार्टी किसी मुद्दे को लेकर नहीं आ पा रही। कानपुर में मेट्रो बनाया, कानपुर में हमारे नवीन मार्केट को गैंगटॉक की शक्ल दी, ये हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन था। हमारे नेता ने मल्टी स्पेशलिटी पार्किंग दी, जिस पार्किंग को हम लोग यहाँ पे जो यातायात का जो हम लोग को प्रॉब्लम होती थी गाड़ी पार करने की, कानपुर का जो स्वरूप बनाने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने अपनी जो ड्राफ्टिंग की थी वो स्वरूप सरकार दोबारा ना आने की वजह से उसका कंप्लाइंस नहीं हुआ। अच्छा, कल कुछ ऐसा कांड भी हुआ था, सुनने में आ रहा था कि कोई जूते वाला वीडियो वायरल हुआ था, उसकी सच्चाई क्या है, उसके बारे में जानना। देखिए, जब किसी के पास कुछ नहीं होता, मेरे सगे भाई ने जब मैं एक मंदिर में गया और मंदिर में जूता उतार के मैंने मंदिर से जब नीचे उतरा तो मेरे भाई ने मुझको जूता पहनाया। अब आप बताइए, अगर आपका भाई जूता पहनाएगा तो उस जूते को सगे भाई जो छोटा बेटे की तरह होता है, कोई जनता का प्रतिनिधि नहीं था, मेरा सगा भाई था। और उस वीडियो को ऐसे वायरल किया जैसे उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, ये भाजपा के लोगों के पास सिर्फ इस तरीके की उलझुल बातें पैदा करके लोगों के दिख को भ्रमित करते हैं, ध्यान को भटकाते हैं। लेकिन समाजवादी की सरकार और जनता ने यह स्वीकार कर लिया, क्योंकि मेरा भी ये क्षेत्र, मैंने 2012 में यहाँ पे चुनाव में मैदान में था, 2012 में मेरे पास जो कम समय में अल्पमतों से मैं रह गया था, पार्टी ने 17 में भी उम्मीदवार बनाया लेकिन मुझे बैक होना पड़ा, फिर उसके बाद 22 में बनाया तो मेरी सरकार की घोषणाओं और मेरे लिए जो सहानुभूति और जनता का प्यार, मुझको पूरे 100% उम्मीद है कि मैं और मेरे सभी साथी कानपुर से यहाँ पे समाजवादी पार्टी के विधायक बनने जा रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा, इस विधानसभा की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता को क्या संदेश दें? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि भाईचारे और भाई के साथ भाई से मिलकर अगर हम देश की तरक्की में साथ चलेंगे तो उत्तर प्रदेश भी आबाद होगा, तरक्की होगी। और यहाँ से रास्ता जब जाता है तो दिल्ली को जाता है, हमने देख लिया, मेरे साथ तमाम सब पंडित जी भी हैं, ठाकुर साहब भी हैं, अभी आपने देखा ये भी खड़े हैं, तो ये सब लोग ने ये मैसेज दे दिया कि हम धार्मिक मुद्दों से सरकारों को नहीं बनाएंगे। जो हमारे रोजगार की बात करेगा, जो हमारे व्यापार की बात करेगा, जो भाईचारे को साथ लेकर चलने की बात करेगा, हम उस सरकार को चुनेंगे और वो सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार है और उसके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी है। कि यहाँ पर जो अतिक्रमण की समस्या है, जो अनऑथराइज लोगों ने यहाँ पर कब्जे कर रखे हैं, विधायक बनते हैं, सरकार बनती है तो कैसे उस पर काम? देखिए, मैं हर अपने नागरिक से कहूंगा कि सिविक सेंस अपने अंदर पैदा करें, अपने घर के सामने इनक्रोचमेंट ना करें, नाली ना बंद करें, क्योंकि घर के सामने का हिस्सा उन्हीं के उपयोग में आता है और जब घर के सामने इनक्रोचमेंट होता है तो निश्चित रूप में नाली भी बंद हो जाती है, ड्रेनेज की भी प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे सबसे ये निवेदन है और सबको मैं जागरूक करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि अगर हम अच्छा सड़क पानी बिजली का माहौल देखें तो हमें सिविक सेंस को अपने अंदर लाना चाहिए।
धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हसन रूमी साहब, जिनका साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार जो रणनीति है वो समाजवादी पार्टी ने तय करी हुई है और उसी रणनीति के तहत इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने प्रदर्शन करेगी, लेकिन नतीजे क्या होंगे ये देखना अहम। कैमरा पर्सन दीपक के साथ में नितिन प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।